आइए ललन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है ललन टॉप ऐप पर। T20 वर्ल्ड कप 2022 को खत्म हुए एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन पाकिस्तानी दिग्गज का फाइनल हारने का दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। पूर्व पाकिस्तानी पेसर शोएब अख्तर शाहीन शाह अफरीदी से खासा नाराज है। शोएब को लगता है कि शाहीन को सब कुछ जोखिम में रखकर अपने बचे दो ओवर फेंकने चाहिए थे, उनको दवाइयां खा लेनी चाहिए थी। जी न्यूज से बात करते हुए शोएब ने कहा, जब आपका मेन गेंदबाज अनफिट हो जाता है तो ये आपके लिए दिक्कतें पैदा करता है। शाहीन कभी पूरे फिट नहीं थे, लेकिन हम पूरा आरोप उन पर नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने बीते 2-3 मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन ये वर्ल्ड कप फाइनल था। अगर आपका पैर टूट भी जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी दौड़ते रहो और कुछ करो, लेकिन ये हमारी किस्मत में नहीं था। जब पैर सुन हो जाता है तब दर्द महसूस नहीं होता। हाँ, आप युवा लड़के के करियर को खतरे में डाल रहे हो, ये एक वर्ल्ड कप फाइनल है, आप जोखिम उठा सकते हो या नहीं आपको एक कप्तान के तौर पर सोचना होगा, ये एक मुश्किल फैसला है। शोएब अख्तर की इस बात पर पाकिस्तानी चैनल समा टीवी ने शाहिद अफरीदी से सवाल किया। ये सवाल सुनते ही शाहिद अफरीदी ने शोएब अख्तर को सुना दिया। उन्होंने कहा कि पेन किलर के साइड इफेक्ट भी होते हैं। अफरीदी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं समझता कि ये जायज बात है। पेन किलर सिर्फ थोड़ी देर के लिए राहत देता है, हमने भी बहुत दफा किया है, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं क्योंकि उस टाइम तो सुन हो जाता है और दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन अगले दिन दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपको थोड़ा शाहीन की इस चोट के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल वर्ल्ड कप फाइनल के 13वें ओवर में शाहीन ने ब्रुक का कैच पकड़ा था, जिसके दौरान उनके घुटने में चोट लग गई, जिसके बाद शाहीन मैदान से बाहर चले गए थे। फिर वो 15वें ओवर में वापस आ गए, उन्हें देख पाकिस्तानी फैंस खुश हो गए थे। अगले ओवर के लिए कप्तान बाबर आजम ने शाहीन को गेंद भी पकड़ा दी थी, लेकिन पहले ही बॉल डालकर वो फिर इंजर्ड हो गए और उन्हें मैच छोड़कर जाना पड़ा था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। ललन टॉप अड्डा याद है, दिल्ली में हर साल होता था। बड़े बड़े कलाकार, नेता, राइटर, सिंगर सब आपके बीच आते थे। तो जैसे आप गानों के वल्गर वर्जन बनाते है ना, सब आपने भी सर बनाया होगा, ऐसा नहीं है। आपको ईडी का डर नहीं है? अरे क्या ईडी का यार, मेरा ईडी क्या बिगाड़ेगी, जब देते हो आप सब टैक्स देता हूँ। देश में मेरे ख्याल से कोई हिंदी या साहित्य में कोई देता नहीं होगा जितना टैक्स देता हूँ। 3 साल के अंतराल के बाद फिर लौट आया है ललन टॉप अड्डा। 18, 19 और 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जमेगा। आपको फिर आना है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। आना है तो पहले दी ललन टॉप ऐप पर जाना है, वहाँ दिखेगा रजिस्ट्रेशन का बैनर, क्लिक करिए, फॉर्म भरिए और अपनी एंट्री पक्की करिए।